नन्हे मुन्ने बच्चों को दिलाए साल आतिशबाजी नहीं करने का संकल्प। द्रौपदी देवी के बच्चों को बताएं इस साल क्या करें मनोरंजन के लिए। आज नया बाजार स्थित द्रौपदी देवी स्कूल के बच्चों को दिवाली पर जलाने वाले पटाखों से होने वाले प्रदूषण के बारे में बताया कि साथ ही बच्चे को ये संकल्प भी दिलाया कि साल वो पटाखे न जलाकर उस पैसों का किस तरह सदुपयोग ले सकते हैं, साथ इस दिवाली पर मनोरंजन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य भी उपस्थित रही। आज जो स्कूल में आके बच्चों क्या बताया? मैं अनुव्रत समिति की तरफ से यहाँ पर हम लोग आए हैं कुछ मेंबर्स जो कि एक कैंपेन चला रहे हैं कि आतिशबाजी न करें। तो हमने बच्चों को ये बताया कि आतिशबाजी करने से क्या नुकसान होता है, क्योंकि कारण जाने बिना बच्चों उस चीज़ को ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने पहले उसके नुकसान बताए कि क्या क्या नुकसान होते हैं। बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से सुना और समझा। उसके बाद हमने उनको संकल्प कराया कि इस दिवाली मैं आतिशबाजी नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ेंगी। उसके बाद हमने उनको ये भी बताया कि इस दिवाली उनको क्या ऐसा करना चाहिए, मनोरंजन के नाम पर जो हम ये पटाखे चलाते हैं उसकी बजाय हम कुछ और अच्छे काम कर सकते हैं और उससे हम हमारी दिवाली बहुत अच्छे से मना सकते हैं। कौन सा स्कूल है? द्रौपदी देवी सामरमल बालिका विद्यालय है लोढ़ा हवेली में, वहाँ पर हम लोग आए हैं। आपका नाम? मैं मोनिका लोढ़ा, अध्यक्षा अनुव्रत समिति। आपका